Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alisha Maths Classes. In our previous video we have just completed exercise 7.1, so if you have not watched that video till yet, please click on the I option. You can get the description of that link in that option. So today I am going to start exercise 7.2. This exercise is basically based upon the substitution method. इस एक्सरसाइज को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. एक्चुअली द एक्सरसाइज विच वी हैव डन दैट इज एक्सरसाइज 7.1 इज बेस्ड अपॉन इंस्पेक्शन मेथड, जहां पे हमें क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस करना है. तो वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, तो हम वहां पे डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेशन. बट दिस इज नॉट एक्चुअली happens for many of the function. You have to do some methods or you have to apply some tricks to find out the integration of some function. So here in this exercise we will use integration by substitution method. Although आपके बहुत सारे method है, partial fraction method है, integrating by parts है, वो हम आगे later on exercises में discuss करेंगे. You have the exercises by the टॉपिक वाइज. सो दिस एक्सरसाइज इज बेसिकली बेस्ड अपॉन सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्या मीनिंग है सब्स्टिट्यूशन मेथड का? सब्स्टिट्यूशन मेथड आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, वहां पे आपने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर रीड किया है, जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्टडी किया है. व्हाट यू विल डू इन दैट चैप्टर, एक्चुअली दे आर टू लीनियर इक्वेशंस, एंड व्हाट यू डू, you take the value of x or y from the first equation and then you put that value in the second equation. This is basically the substitution method, जहां पे आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के, जैसे यहाँ पे अगर आपका 3x plus 2y is equal to 7 है और x minus 3y is equal to 4 है, तो आप क्या करते हो, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली, सपोज यहां से ये आ रही है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या होता था, पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में बन जाती थी. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यू आप पुट कर देते हो किसी और इक्वेशन में. तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, अपने इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कोई ना कोई फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी नए वेरिएबल से. तो देखते हैं कैसे, लेट्स सी नाउ. स्टूडेंट्स यू हैव डन इन एक्सरसाइज 7.1 इन विच देयर सिंपल फॉर्मूलाज, आपकी सिंपल फॉर्मूलाज है, साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा. बट यू हैव जस्ट सीन देयर दैट देयर इज नो फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ 10x, फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x, फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट x, एज वेल एज फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट x. तो पहले हम इनके इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करेंगे. वैसे तो आपके पास इसके लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट, यू कैन लर्न द फॉर्मूला, बट समटाइम्स टू मार्क्स में ऐसे आता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट x, तो आपको आना चाहिए इसकी डेरिवेशन. वैसे भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा इफ यू विल जस्ट फॉरगेट इन द एग्जाम व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट x और व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 10x, देन यू कैन डिराइव योर सेल्फ. सो लेट्स सी नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग 10x, तो इससे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ आ जाएगा कि कैसे सब्स्टिट्यूट हम इसमें क्या करेंगे. तो देखते हैं, ऑल ऑफ यू नो दैट 10x इज इक्वल टू साइन x अपॉन कॉज x. तो यहां पे क्या करेंगे, हमें ऊपर साइन न्यूमरेटर में दिख रहा है और नीचे हमें डिनोमिनेटर में कॉज दिख रहा है. ऑल ऑफ यू नो दैट ये जो कॉज एक्स है इसका डेरिवेटिव हमारा साइन की फॉर्म में आता है. वैसे हमारा साइन का डेरिवेटिव भी कॉज की फॉर्म में आता है, पर उससे हमारा बेनिफिट नहीं होगा. आपको मैं रीजन बताती हूँ अभी क्यों. यहाँ पे देखिए, हम कॉज एक्स को एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देंगे कॉज एक्स की वैल्यू को टी से. वो जस्ट एज्यूम दैट लेट कॉज एक्स इज इक्वल टू टी. कॉज एक्स को एक नया वेरिएबल टी में कर दिया, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स को. सो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्योंकि हम एक्स डेरिवेटिव यूज करें तो वी विल अप्लाई ऑलवेज द चेन रूल ऑल्सो. सो द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी डी एक्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ टी विल बी डी टी. तो यहाँ से ऊपर देखो साइन एक्स डी एक्स, एक्चुअल में आपने कॉज एक्स को टी माना और जो ऊपर न्यूमरेटर में पूरा का पूरा फंक्शन पड़ा हुआ हमारा पूरा पूरा एज इट इज आ गया. देख रहे हैं ना आप, ये साइन एक्स डी एक्स आपका एज इट इज न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है. सो यू विल गेट अगेन द सेम फंक्शन विच इज देयर इन द न्यूमरेटर. सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, वेन एवर योर फंक्शन इज इन द फॉर्म एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स,
समझ रहे हैं, नीचे फंक्शन है और उसका ऊपर कहीं पे डेरिवेटिव पड़ा है, तो इस क्वेश्चन में हमेशा जो फंक्शन है उसको हमेशा आप टी पुट करेंगे. ऑलवेज यू हैव टू फॉलो द सेम मेथड. सो यूजिंग दिस मेथड यू विल जस्ट अप्लाई दिस मेथड इन द एक्सरसाइज ऑल्सो. सो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे न्यूमरेटर में नेगेटिव नहीं है. सो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी एंड वैल्यू ऑफ कॉज एक्स इज टी. सो नेगेटिव को आप आउटसाइड ले सकते हो. इट इज डी टी बाय टी. नाउ एवरीबडी नोज दैट द इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इज लॉग एक्स. वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स. क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन बाय एक्स. तो इसका रिवर्स चलता है. वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स. वो वन बाय एक्स में होता है और उसमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी आ रहा है और फंक्शन है वन बाय टी. तो इसका सिंपली है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? लॉग टी प्लस सी. बट अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स देन आंसर शुड बी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एक्स ओनली. सो आपको टी की वैल्यू को डायरेक्ट एंड में पुट करना होता है. सो द आंसर इज माइनस लॉग कॉज एक्स प्लस सी. ये मॉड टी ले लेते हैं पॉजिटिव वैल्यूज लेने के लिए कि नेगेटिव पे हमारा नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे मॉड वैल्यू ले लेते हैं. सो इसका आंसर आएगा माइनस लॉग कॉज एक्स प्लस सी. सब आपको यहाँ पे याद रखना है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स? इट इज माइनस लॉग कॉज एक्स. अंडरस्टूड एवरी वन? और इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज कॉज एक्स रेस टू पार. देखिए एम लॉग एन होता है, लॉग एन रेस टू पार एम. सो ये माइनस है, इसको माइनस वन सपोज कर सकते हैं. ये पावर में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा. एंड लॉग कॉज एक्स रेस टू पार माइनस वन कैन बी रिटन एज वन बाय कॉज एक्स. नाउ एवरीबडी नोज दैट वन अपॉन कॉज एक्स इज सेकेंड एक्स. सो दीज आर द टू फॉर्मुलाज फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, दैट इज लॉग सेकेंड एक्स और माइनस लॉग कॉज एक्स. बोथ कैन बी टेकन, बोथ आर करेक्ट, प्लीज नोट डाउन. नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स. अभी अभी आपने टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीखा. सो नाउ वी विल जस्ट फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स. नाउ एवरीबडी नो दैट कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉज अपॉन साइन एक्स. सो अभी आपका ये उसी फॉर्म में चेंज हो चुका है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स. मीन्स फंक्शन इज साइन एक्स एंड इन द न्यूमरेटर इट्स द डेरिवेटिव ऑफ साइन, दैट इज कॉज एक्स. दैट मीन्स वी हैव टू टेक साइन एक्स इज इक्वल टू टी. यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, तो ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू टेक एफ एक्स इज इक्वल टू टी. और इनफैक्ट इसका शॉर्टकट आप एग्जाम के लिए कर सकते हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम. इसका आंसर होता है हमेशा लॉग एफ एक्स प्लस सी. यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट. द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज लॉग एफ एक्स प्लस सी. ये भी मेरा यहाँ पे प्रूव हो जाएगा. तो यहाँ पे देखते हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी लिया है तो हम डी एक्स को चेंज करेंगे डी टी में. सो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉज एक्स. एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स और टी का डेरिवेटिव डी टी. अब आप देख सकते हैं कि यू विल जस्ट गेट द डिनोमिनेटर कॉज एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कॉज एक्स डी एक्स और यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू द सेम थिंग डी टी एंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज टी. सो अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ वन बाय टी डी टी, यानी कि वन बाय एक्स डी एक्स. अभी मैंने बताया है वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स. इसी तरह से वन बाय टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग टी प्लस सी. सो लॉग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? इट इज साइन एक्स. तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये एफ डैश एक्स था, ये एफ एक्स था, तो आंसर आ गया लॉग साइन एक्स. वही ट्रिक है जो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बताया है. तो व्हेनेवर योर इंटीग्रेशन इज गिवन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इन द न्यूमरेटर देर इज द डेरिवेटिव एंड इन द डिनोमिनेटर देर इज द फंक्शन, दैट मीन्स यू हैव टू ऑलवेज टेक फंक्शन इज इक्वल टू टी.
because in that way you will get the numerator which is the derivative of denominator. आपको जो denominator मिलेगा वो actual में जो numerator मिलेगा वो denominator क्या हो जाएगा, उसका derivative हो जाएगा. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे denominator है sin x, तो उसका derivative cos x मिल गया. ऐसे ही पिछले वाले question में हमने किया था, tan था sin upon cos, तो cos का डेरिवेटिव ऊपर साइन मिल गया था. तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि आपको किस फंक्शन को t अज्यूम करना है, सो दैट उसका डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन में मिल जाए. प्लीज नोट डाउन. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ secant x. सो secant x को हम 1 बाय cos x लिख सकते हैं, बट इसका कोई बेनिफिट नहीं हो क्योंकि ना हमें फंक्शन मिलेगा और ना ही उसका डेरिवेटिव मिलेगा. तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हमें नई ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी. सो यहाँ पे ट्रिक देखिए क्या है. यहाँ पे हम secant x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे और secant x प्लस tan x से डिवाइड करेंगे. ये आप कह सकते हैं दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर. और इसका बेनिफिट बता रही हूँ कि ऐसा क्यों किया है. यहाँ पे आप हैश मार्क कर सकते हैं, वेन एवर यू हैव समथिंग इन योर क्वेश्चन विच इज पॉइंट टू रिमेंबर, दिस इज पॉइंट टू रिमेंबर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय secant x प्लस tan x. secant x प्लस tan x को आपको न्यूमिरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हुआ है. मतलब ऐसा इसलिए किया है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या बन जाएगा, secant इंटू secant हो जाएगा secant स्क्वायर x, और secant इंटू tan हो जाएगा secant x tan x. अगर आप ध्यान से देखें तो आपका फंक्शन इस फॉर्म में मॉडिफाई हो चुका है. ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है. ध्यान से देखिए, यू कैन जस्ट सी हियर, secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x. तो इस फॉर्म में मॉडिफाई करने के लिए, f डैश x अपॉन एफ एक्स बनाने के लिए ही हमने यहाँ पे secant x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया और secant x प्लस tan x से डिवाइड किया. तो अभी तो आप लोगों को बहुत ही इजीली पता चल चुका है आगे क्या करना है. अपने secant x प्लस tan x को क्या सपोज करना है, t. तो secant x का डेरिवेटिव होता है secant x tan x, और tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x. साथ में दोनों के साथ dx आएगा चेन रूल से, तो वो मैंने कॉमन ले लिया है, और dt आ जाएगा. तो ये मेरा पूरा न्यूमरेटर बन गया. इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि पूरी वैल्यू dt के इक्वल है, और जो डिनोमिनेटर है वो अपने t के इक्वल सपोज कर रहा है. अगेन आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर log t ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी log t ही आएगा. तो आंसर आ चुका है मेरा, लॉग टी की वैल्यू आपने जो पुट की थी वही लेंगे. टी क्या था आपका, secant x प्लस tan x. सो द आंसर इज लॉग secant x प्लस tan x प्लस सी. तो ये आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ secant x क्या होता है, लॉग secant x प्लस tan x प्लस सी. प्लीज नोट डाउन. सो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x. तो अभी हम cosecant x का इंटीग्रेशन सीखेंगे. यहाँ पे मैं पहले ही लिख चुकी हूँ cosecant x के साथ मुझे कुछ ना कुछ ट्रिक तो अप्लाई करनी है. मुझे किस फॉर्म में लेके आना है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स. तो ये cosecant और secant थोड़े से सेम हमारे. cosecant में जैसे हमने secant x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड किया था, इन द सेम वे यहाँ पे भी हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं. तो cosecant x प्लस cot x से मल्टीप्लाई और cosecant x प्लस tan x से डिवाइड. क्या बेनिफिट हुआ इसका, मल्टीप्लाई कर दीजिए, cosecant इंटू cosecant विल बिकम cosecant स्क्वायर x, और cosecant x प्लस cot x क्या हो जाएगा, cosecant x cot x अपॉन cosecant x प्लस cot x. आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गेट द आइडिया. सेम है ना आपका पिछले क्वेश्चन की तरह, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये पड़ा, इसका ये पड़ा, तो हमें क्या मिल चुका है, नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव, यही तो बनाना था हमें. तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड. cosecant x प्लस cot x को क्या सपोज कर लेंगे हम, t. तो cosecant x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosecant x cot x, और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosecant स्क्वायर x, और पूरा चेन रूल से x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx, वो मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि इसके साथ भी dx आएगा और यहाँ भी dx आएगा. तो डायरेक्ट
dx कॉमन ले लीजिए। अभी ध्यान से देखो कि इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है कि ये दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों हमारे नेगेटिव हैं। तो सबको पता है कि मैं नेगेटिव क्या ले लूँगी, कॉमन ले लूँगी। तो यहाँ से नेगेटिव अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो व्हाट डज इट बिकम, कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो न्यूमरेटर है ना हमारा, न्यूमरेटर पूरा का पूरा यही एज इट इज आ गया है, इसकी वैल्यू सिर्फ किसके इक्वल है, माइनस डी टी के इक्वल है। तो माइनस तो आप बाहर लिख सकते हैं, सिर्फ ये पूरा क्या आ जाएगा डी टी, और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये पूरा किसके इक्वल है, टी के इक्वल। तो आप देख सकते हैं आपका हर एक क्वेश्चन में वन बाई टी बन रहा है। तो अब बार बार मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े कि लॉग टी इसका होता है इसका इंटीग्रेशन, और नेक्स्ट फाइनल स्टेप टी की वैल्यू आप पुट कर दोगे, टी की वैल्यू है कॉसिकेन एक्स प्लस कॉट एक्स। प्लस सी, सो आप देख सकते हैं वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड यू गेट द आइडिया हाउ टू सॉल्व एनी इंटीग्रल बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्लीज नोट डाउन, आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फॉर्मूलाज। इसकी इंटीग्रेशन की आपने डेरिवेशन सीख ली होगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि अभी फॉर्मूले हमारे बार बार यूज होंगे। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर वन, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आपको सारा का सारा क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, यहाँ पे ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, नीचे फंक्शन पड़ा है। तो क्या करना है, जो अभी समझाया है, नीचे जो फंक्शन है उसको क्या सपोज कर लेंगे, टी, क्योंकि ऊपर एज इट इज उसका क्या पड़ा हुआ है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे वाले फंक्शन को मैंने टी सपोज कर लिया है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपली क्या आ जाएगा, टू एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देख सकते हैं आपका पूरा वही डिनोमिनेटर बन चुका है, तो टू एक्स डी एक्स की वैल्यू आप डी टी डाल देंगे और नीचे टी, तो वन बाय टी का इंटीग्रेशन हमारा लॉग टी प्लस सी आंसर आ चुका है। टी की वैल्यू को पुट कर देंगे और टी हमारा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता चुका है कि इसमें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है फंक्शन क्या है और उसका डेरिवेटिव करना है। तो देख सकते हैं लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय एक्स, ये वन बाय एक्स ही तो पड़ा है। तो यानी कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, आपको डेरिवेटिव को टी नहीं लेना, फंक्शन को टी लेना है। तो हमारा यहाँ पे फंक्शन है log x, तो log x को क्या सपोज करेंगे, t, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाय एक्स आ जाएगा। log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये 1, इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, ये देखिए पूरी वैल्यू आ चुकी थी, 1 बाय एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी। तो यहाँ पे बस आपने वैल्यू पुट करनी है, log x की वैल्यू क्या सपोज की आपने, t, तो यहाँ पे log x की जगह जब t डालोगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, और 1 बाई एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, डी टी। तो बस यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन किस फॉर्म का बन चुका है, x रेस टू पार n का। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू पार n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो t की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t हियर, log x, 2 प्लस 1 इज गोइंग टू बी 3 अपॉन 3 प्लस सी। वेरी सिंपल, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। सो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो यू कैन टेक द कॉमन एक्स इन द डिनोमिनेटर। टेकिंग एक्स कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे बचेगा लॉग एक्स। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव। अगेन आपको फंक्शन भी इसी में दिख रहा है और डेरिवेटिव भी इसी में दिख रहा है। देखिए log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, तो पूरे के पूरे इस फंक्शन को आप क्या सपोज कर लेंगे, t, क्योंकि 1 का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, 1 तो हमारा कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dt। तो ये आपका 1 बाय एक्स डी एक्स, ये पूरा देखिए 1 बाय एक्स
dx, इसकी वैल्यू पूरी की पूरी क्या आ चुकी है dt, और इसकी वैल्यू को आपने क्या पुट किया है t, तो dt अपॉन t बन रहा है, सारे क्वेश्चन में हमारा सेम ही है, तो क्या आंसर आ जाएगा log t plus c। दिस इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव, सो व्हाट एवर द फंक्शन इज देयर यू हैव टू पुट t, मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन जो दिख रहा है ना उसको आपने t सपोज करना है, और डेरिवेटिव आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसका कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपका वो हमेशा dt में चेंज हो जाएगा। सो log t की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, log t हमारा क्या है यहाँ पे 1 प्लस log x प्लस c, दिस इज आर आंसर, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन ऑफ cos x dx। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसका इंटीग्रेशन करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप चेक कर सकते हैं कि डेफिनेटली अप्लाई होगा, पर प्रॉब्लम ये है कि हम किस चीज़ को टी सपोज करें, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से काम चल रहा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस में होता है, कॉस का डेरिवेटिव भी साइन में होता है, तो कैसे लेना है आपको फंक्शन। देखिए यहाँ पे साइन जो है उसका थीटा है कॉस एक्स, तो थीटा को तो आप नहीं चेंज कर सकते, इसलिए बेटर है आप कॉस एक्स को ही ले लेंगे टी। अगर आप यहाँ पे कॉस एक्स को टी सपोज करते हैं तो देखिए क्या होगा, इफ यू आर टेकिंग कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करिए इसको, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, एंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज डी एक्स इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ टी इज डी टी। सो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू इस नेगेटिव को आप वहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो यू कैन राइट डाउन इट एज माइनस ऑफ डी टी। सो इन द क्वेश्चन यू कैन सी दैट साइन एक्स डी एक्स इज देयर एज इट इज मिल रहा है आपको, देख लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा सर्कल कर दिया है, साइन एक्स डी एक्स इसकी पूरी वैल्यू को मैं किससे सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, आई कैन राइट डाउन इट एज माइनस ऑफ डी टी, बचा क्या आपका, व्हाट इज द रिमेनिंग थिंग लेफ्ट ओवर, दैट इज साइन ऑफ कॉज एक्स, व्हाट इज कॉज एक्स, दैट इज टी, कॉज एक्स को मैंने टी से रिप्लेस कर दिया और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी सपोज कर दी, और नेगेटिव जो है वो हमारा बाहर आ चुका है। तो इस तरह से हमारा जो इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मॉडिफाई होके आ चुका है। नाउ एवरीबडी नोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज माइनस कॉस टी, सो इसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, दिस इज कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, सो दिस इज आंसर, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी अवर क्वेश्चन नंबर 5th, द क्वेश्चन नंबर 5th इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी। नाउ वॉट यू कैन डू हेयर दैट यू कैन सी दैट द डेरीवेटिव ऑफ साइन इज कॉज एंड द डेरीवेटिव ऑफ कॉज इज साइन, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, बट इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। आप देखिए फॉर्मूला बन रहा है एक्चुअल में, इफ़ यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 तो ये बच्चे आपका बन जाएगा 2 इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा इज सेम, सो ये किस फॉर्म में बन चुका है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, इट इज इक्वल टू साइन 2 इंटू थीटा, व्हाट इज द थीटा हेयर ए एक्स प्लस बी। सो ऐसा करने से क्या हो गया, हमारा जो फंक्शन 2 फंक्शंस में दे रखा था साइन और कॉस में, वो एक ही फंक्शन में चेंज हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव साइन, दिस इज कंप्लीटली थीटा, वॉट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, इट इज माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस थीटा हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा 2 ए एक्स प्लस बी है प्लस
सी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको डेरिवेटिव में चेन रूल से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ता है, चेन रूल से आप 2 AX + B का भी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो 2a आएगा, b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो 2a मल्टीप्लीकेशन में आएगा, और यहाँ पर सब कुछ डिवीजन में सब कुछ रिवर्स चलता है, बिकॉज दिस इज इंटीग्रेशन, दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस पॉइंट इन माई फर्स्ट वीडियो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन यू कैन वॉच दैट वीडियो। शॉर्टकट ट्रिक इसकी यही है कि जो भी एक्स का कॉफिशेंट है सीधा आप उसको नीचे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में या डिविजन में, हमेशा क्या होगा, जो भी एक्स का कॉफिशेंट है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स का कॉफिशेंट 2a आएगा, तो सीधा नीचे 2a आ जाएगा। प्लीज नोट डाउन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ AX + B। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एंड यू कैन डू दैट डायरेक्टली, यू कैन डू दिस क्वेश्चन डायरेक्टली ऑल्सो। कैसे डायरेक्टली, बिकॉज ये लीनियर फंक्शन है, सो एक्चुअल में ये लीनियर फंक्शन की पावर है। तो आपको ये मैंने बताया था कि x^n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x^(n+1)/(n+1)+c। एक्स यहाँ पे लीनियर होना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ द कंपल्सरी थिंग दैट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर हेयर, दैट x शुड बी लीनियर। लीनियर मीन्स इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे x की डिग्री 1 ही है, लीनियर है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा AX + B की पावर, ये n है हमारा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। साथ में मैंने आपको कहा है शॉर्टकट ट्रिक में, जब भी आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वॉट एवर द कॉफिशियंट ऑफ x इज देयर, यू हैव टू टेक दिस कॉफिशियंट इन द डिनोमिनेटर। सो x का कॉफिशियंट है यहाँ पे a, वो नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डेरिवेटिव में, वही मैं बात बोल रही हूँ बार बार, कि डेरिवेटिव में हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, तो AX + B का डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू a आएगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो यहाँ पे रिवर्स, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या होता है, डिवीजन, तो यहाँ सब कुछ डिवीजन में आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए इस फॉर्म में आंसर आ चुका है, बस आपको एलसीएम लेना है। AX + B की पावर, वॉट इज़ 1/2 + 1, ये क्या आ जाएगा 3/2 प्लस सी, नीचे भी आपका 3/2 बनेगा, ये वाला 2 जो है ऊपर न्यूमरेटर के साथ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे बचेगा 3 और साथ में क्या है a। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेशन ऑफ x^(x+2)। तो यहाँ पे देखिए हमारे को कहीं पे भी कोई भी फंक्शन नहीं मिल रहा और ना उसका डेरिवेटिव पता चल रहा है, मतलब एज इट इज़ फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर है फंक्शन, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं x+2 को एक्चुअल में t² पुट कर देती हूँ। ऐसा इसलिए पुट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, मुझे स्क्वायर रूट रिमूव करनी है। स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए मैं x+2 की वैल्यू अगर t² डाल देती हूँ तो t² से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, कैंसल। बस अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, x का डेरिवेटिव dx हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 और t² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t dt। तो ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारा x में चल रहा है, तो अभी हम जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सारा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t में चेंज हो जाएगा। तो हमारा पहला फंक्शन है x, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं तो ये बनेगा t² + 2, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। तो इस x की वैल्यू की सब्स्टिट्यूट करेंगे t² - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x+2 की वैल्यू है t² और dx की वैल्यू हमारी क्या आई है 2t dt। तो वॉट एवर द वैल्यूज आर देयर, वी हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दी ऑल दीज फंक्शंस इन द गिवन क्वेश्चन, वी गेट दिस। अभी इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 कॉन्स्टेंट है, वी कैन टेक इट आउटसाइड। सो ये हमारा t² - 2 इंटू t² से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, एक t बचेगा और एक t एक और था, तो ये हमारा एक्चुअल में t² में कन्वर्ट हो चुका है।
टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर विल बिकम टी रेस टू पावर 4 और ये हो जाएगा 2t square. तो ये तो बहुत सिंपल फॉर्म में हो चुका है हमारा, एक्स रेस टू पावर एन की फॉर्म में हो चुका है. एक्स रेस टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5/5. ऐसे ही 2 रेस टू पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/3 प्लस सी. तो हमारा इंटीग्रेशन आ चुका है, बट अभी टी की फॉर्म में है तो टी की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. टी की वैल्यू यहाँ से क्या है कि अगर मैं टी की वैल्यू देखूँ तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट हो जाएगी. सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी. तो स्क्वायर रूट को आप रेडिकल रिमूव कर सकते हो. स्क्वायर रूट डिनोट करती है पावर 1/2. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स प्लस 2 की पावर 5/2. सेम इसको भी लिख सकते हो एक्स प्लस 2 की पावर 3/2. तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देंगे हम, बस इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, पावर की फॉर्म में डायरेक्टली 5/2 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर, ये स्क्वायर रूट रिमूव होगी तो क्या हो जाएगा? 1/2. तो 3 इंटू 1/2 कितना होता है? 3/2. तो ये हमारा आंसर आ चुका है. आई होप दैट यू अंडरस्टूड, प्लीज नोट डाउन. सो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x² dx. तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा होगा कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है और बाहर थोड़ा सा उसका डेरिवेटिव पड़ा है. कैसे आइडिया पता चला? देखिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये एक एक्स मिल गया हमें. तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या पुट करना है. अभी ये जो भी चीज़ स्क्वायर रूट है ना, बेटर है आप इसको टी स्क्वायर पुट कर दिया करो, ताकि ये डायरेक्ट ही स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए. वैसे आप टी को भी कर सकते हो यहाँ पे यूज़, पर टी स्क्वायर करने से और भी इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि स्क्वायर रूट से डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा. तो अभी हम करते हैं डिफरेंशिएट. 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल बिकम 0. 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, dx इज इक्वल टू, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t dt. यहाँ से मुझे सिर्फ एक्स डीएक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 2 = 4. 4 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो 2/4 t dt. यहाँ से एक्स डीएक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2 t dt. तो बस अब इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स डीएक्स की जगह क्या डाल देंगे? 1/2, कॉन्स्टेंट है, वी कैन टेक इट आउटसाइड, और अंदर बचेगा टी, इधर लिख लेंगे dt t dt. इसके अंदर देखते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर है, इस पूरे फंक्शन को मैं रिप्लेस कर चुकी हूँ और मैं पुट कर चुकी हूँ टी स्क्वायर के इक्वल. तो अभी देखिए, बहुत ही सिंपल हो चुका है हमारा क्वेश्चन. टी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे अगेन टी बचेगा. तो ये तो हमारा क्वेश्चन डन हो चुका है. टी इंटू टी बन जाएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू पावर एन से एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यानी कि 2 + 1 अपॉन 1 2 + 1, दैट इज टी रेस टू पावर 3/3 प्लस सी. तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 3 हो जाएगा 6, और टी की वैल्यू को आप रिप्लेस कर दोगे. यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x². तो वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है तो इसको पावर 1/2 लिख सकते हैं. तो 1/2 × 3 क्या बन जाएगा? 3/2. तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं. तो 1/2 × 3 यहाँ पे 3/2 में चेंज हो चुका है. तो ये हमारा आंसर आ गया, प्लीज नोट डाउन. सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1 dx. मैंने आपको बताया, जनरली आपका जब क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव, देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2x. अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले तो यहाँ पे 2x ही बचेगा, यानी कि ये इसका डेरिवेटिव है. और अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो x का डेरिवेटिव 1 ही होता है और 1 का डेरिवेटिव 0. तो फाइनली हमें कुछ दिख रहा है कि इसके अंदर जो ये है फंक्शन है और बाहर हमारा डेरिवेटिव पड़ा है. अब क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी स्क्वायर रूट में पड़ा है, तो मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बेटर है आपका जो भी स्क्वायर रूट में पड़ा है उसको आप टी की जगह सीधा टी स्क्वायर पुट कर दो,
ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारी क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी स्क्वायर। सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। dx इज इक्वल टू 2t dt। तो यहाँ से मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो 4 था तो यहाँ 2 बचेगा, और 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा। आप नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कॉमन लिया हुआ है सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ कि ये 2x प्लस 1 इंटू dx मुझे एज इट इज़ मिल चुका है। तो ये वाला 2 एज इट इज़, इस 2x प्लस 1 dx की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 2t dt। तो 2t यहाँ रहा, dt यहाँ पे रहा, स्क्वायर रूट ऑफ इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू है हमारे पास t स्क्वायर। सो 2 इंटू 2 विल बिकम 4, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t से t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम t। तो बहुत ही सिंपल हो चुका हमारा फंक्शन, t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, t इंटू टी टी स्क्वायर हो जाएगा, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इज t रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n। तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा t, यहाँ पे t का क्यूब बन जाएगा प्लस c। अगेन t की वैल्यू को आपने रिप्लेस करना कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि t यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट क्या डिनोट करती है, पावर 1/2 को। तो मैं यहाँ से सीधा t की वैल्यू को ऐसे लिख देती हूँ, स्क्वायर है जो यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट डिनोट करती है पावर 1/2 को। अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू को डालूंगी ये, तो 1/2 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 3/2। तो ये मेरा आंसर आ गया, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट x dx। अब ये क्वेश्चन थोड़ा देख के एक बार आइडिया नहीं आएगा, पर थोड़ा देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करती हूँ और उससे आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। जस्ट सी हेयर दैट यू कैन टेक कॉमन स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्क्वायर रूट एक्स बचेगा और अंदर वन बचेगा। देखिए इस एक्स को लिख सकते हो आप रूट एक्स का स्क्वायर, तो एक रूट एक्स बाहर आ गया, अंदर एक रूट एक्स बचेगा, और यहाँ पे रूट एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे वन। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअल में फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। देखते हो मैम यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, तो लेट कर लेंगे इस पूरे के पूरे फंक्शन को टी, ठीक है, ये फंक्शन हमारा क्या है टी। तो अभी रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 तो होता है, सो दिस इज एक्स रेज टू पावर 1/2। सो डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डेरिवेटिव में क्या होता है, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, तो 1/2 माइनस वन, वन का डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से x रेज टू पावर 1/2 माइनस वन क्या होता है, माइनस 1/2 dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से x रेज टू पावर माइनस 1/2 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में रूट एक्स dx, और इस 2 को आप वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2dt। तो ध्यान से देखिए, ये आपका 1/√x है और ये आपका dx है, इस पूरे की वैल्यू क्या आ चुकी है सिंपली 2dt। तो 2 कैन बी टेकन आउटसाइड बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट, सो 2 को आप बाहर निकालोगे, इस पूरे की वैल्यू सिर्फ dt बचेगी अंदर, और आपने नीचे डिनोमिनेटर में इस पूरे की वैल्यू यूज़ की है t। तो ये अगेन जो आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए हैं 1/t वाले फॉर्मूले में चेंज हो चुका है, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x। तो यहाँ पे 1/t है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t प्लस सी। लास्ट में फाइनली t की वैल्यू को रिप्लेस करना नहीं भूलना है, तो यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, t की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट डाउन। Students, I hope so that you have liked the video and you have understood the concept that is done today.
This topic is based upon the integration of a function by using substitution method. Substitution method से हमने अपने function को बहुत ही simplify करके use कर लिया है. So today I have done only first 10 questions of exercise 7.2. In the next coming video, I will continue from question number 11 of this exercise. So please watch that video also. Thank you so much for watching Alisha Maths Classes. Thank you.